ये वेबसाइट सिर्फ ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए है, जहां पे हम जो नई फिल्में होती हैं उनका रिव्यू देते हैं, जो रियल कलेक्शन होते हैं, ऑफिशियल कलेक्शन नहीं, रियल कलेक्शन होते हैं वो देते हैं, जो रियल न्यूज होती है। इस वेबसाइट पे कोई भी गॉसिप नहीं होगा कि किसी के बारे में कुछ भी लिखना, जो रियल न्यूज होती है वो हम देते हैं। तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन केआर के बॉक्स ऑफिस पे वो दी जाएंगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई केआरके को, आज का इनका ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है ट्रेड के बारे में वर्णन करना, क्या कलेक्शंस है, कहाँ से पाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये फिगर्स वगैरह कहाँ से आते हैं, और मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होगी जो ये सब कलेक्ट करती है और उसका फिर विवरण देती है अपने स्टेट में। तो ये वेबसाइट को मैं बधाई देता हूँ। जितने भी लोग फिल्म से संबंधित होते हैं उनको हमेशा ये एक उत्साह बना रहता है मन में कि जब पिक्चर रिलीज होती है क्या हुआ, कहाँ पर किस जगह चली, कितना उसने इकट्ठा किया। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये अब इस वेबसाइट में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केआरके आपके यहाँ की जो वेबसाइट है केआरके बॉक्स ऑफिस, ट्विटर पे तो आप बहुत ही प्रचलित हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और बिना झिझक के हिचक के आप जो भी अपना कहना चाहते हैं उसे आप कहते हैं। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था आप लुंगी ऊपर करके नाच रहे थे। इसी तरह का आप वर्णन करते रहें अपने वेबसाइट पे, लुंगी के बारे में नहीं, बाकी फिगर्स और फैक्ट्स के बारे में हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं बधाई देता हूं क्योंकि ये वेबसाइट खोलना भी एक बहुत कठिन काम होता है, और जैसा कि मैंने कहा जितने भी कलेक्शंस हैं उसकी जानकारी इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ केयर के, और आप खूब उन्नति प्राप्त करें और ये वेबसाइट खूब प्रचलित हो, आप लोगों का सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आई डू फॉलो हिम ऑन ट्विटर एंड दे आर वेरी एक्साइटिंग, दे आर वेरी यूनिक, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हार्ट व्हाट ही फील्स। देर आर वेरी फ्यू पीपल दैट कैन डू दैट। आई थिंक सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हर्टिंग अदर पीपल्स सेंटिमेंट्स, बट आई थिंक दैट दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी आई हैव ऑलवेज फाउंड इन हिम। ही ऑलवेज सेज व्हाट इज इन हिज माइंड, वेदर इट इज हर्टफुल और नॉट, बट एट लीस्ट इट्स कमिंग ऑनेस्टली आउट। एक पिता अपने पुत्र के परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेगा, अच्छा ही कहेगा। के रिव्यूज पे आप कितना भरोसा करते हैं, बहुत सारे रिव्यूज तो आपने देखे भी, और हाल ही में एचवाई हैप्पी न्यू ईयर को उन्होंने एक स्टार दिए हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही सच्चे दिल से और सही दिमाग से बोलते हैं, अगर इनके मन में ऐसा लगा है कि उसे एक स्टार मिलना चाहिए तो उस बात को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं हैप्पी न्यू ईयर का रिव्यू मंडे रिलीज करना चाहता था, इसलिए कि मैं गलत रिव्यू देना नहीं चाहता, वो भले ही कोई भी हो। मैं ये कर सकता हूँ कि रिव्यू ना दूं या रिव्यू मैं दो चार दिन के बाद दूं। जाहिर सी बात है हैप्पी न्यू ईयर में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सोनू सूद है, अभिषेक है, दीपिका है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि जाहिर मैं उसी दिन उसको रिव्यू को रिलीज करूं। बट ट्विटर पे लोग बहुत नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि दूसरों की फिल्म का देते हो और इस फिल्म का क्योंकि दोस्त है आपके तो आप नहीं देना चाह रहे हो, तो मुझे मजबूरन वो रिलीज करना पड़ा। बट ये है कि मैं खुदा तो हूं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूं वही सही होगा, ये तो भूत भी नहीं बता सकता कि कौन सी फिल्म हिट होगी कौन सी फ्लॉप होगी। मैं वही कहता हूं जो मैं फील करता हूं, और मेरे एक आदमी के अकेले से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं हो सकती। तो मैंने जो भी कहा, जो मैंने फील किया, मैंने सिर्फ उस फिल्म के बारे में वही कहा। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.